कौमी असेंबली जो इजलास तलब न थे। सदर आरिफ अलवी चार ढी गुजरी वन भी समरी से सही न कई। एवान अजा मुकम्मल ना कुछ सीटों से फैसलो थड़ो है। सदर आरिफ अलवी जो मौकफ पार्लियामानी मामलन वाली वजारत पारा चार ढी पे कौमी असेंबली जो इजलास डाय सदर के समरी उमानी वही हुई। कौमी असेंबली की चूंड मुकम्मल थी चुकी। सदर इजलास घुराण जो पाबंद है। सदर एक शख्स की वफादारी करण बदरा आईन की पासदारी करे माजी जी आईन से खेड़ खां पासो करे। सदर लाए लाजमी है तो वजीर आजम की समरी से बिना देर असेंबली इजलास घुराए। चूंडियल असेंबली जो इजलास देर से घुराए इख्तियार नाजायज इस्तेमाल है। आरिफ अलवी पारा आईन की भनकड़ी अहदे जो गलत इस्तेमाल तारीख जो हिस्सो रो। पीपल्स पार्टी अखबार शाजिया तमरी जो जारी कल बयान। सदर कौमी असेंबली जो इजलास न सदायो तो 29 फेबरवरी से स्पीकर आइनी तौर पर इजलास तलब करे सके तो। आइन में वाजे आहे तो जेकरे सदर एक ही दिन अंदर इजलास न तो घुराए तो स्पीकर वट इजलास तलब करण जो इख्तियार आहे। एक ही दिन के हिसाब से 29 फेबरवरी कौमी असेंबली जो इजलास घुराने की आखिरी तारीख है। नाणे वारे अगूड़े वफाकी वजीर रिसाकदार जी पंजाब असेंबली बाहरा मीडिया से गालबोल। सैयद अवेज कादर शाह सिंध असेंबली जो स्पीकर एंथनी नवी डेप्टी स्पीकर बणजी वया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 111 वोट खड़ी कामयाबी माड़ी। स्पीकर ए डेप्टी स्पीकर लाए एमक्यूएमजी उम्मीदवार सोफिया शाह राशिद खान के 36 वोट मिलिया। सिंध असेंबली के नए स्पीकर ए डेप्टी स्पीकर पंजन ओहदन जो हलफ खड़ी वरतो। सिंध असेंबली के समूरन मेंबरन के गद खड़ी हलंदुस स्पीकर अवेस कादर शाह जो खिताब। डेप्टी स्पीकर एंथनी नवी है तो संदस डेप्टी स्पीकर बणजण का साबित ही वो है। पीपल्स पार्टी अकलियतुन के मसलन के हल लाए संजीदा है। सिंध असेंबली की अज वधिक 10 मेंबरन कसम खड़ी वरतो। सुनी इतिहाद कौंसिल जा 9 जमायत इस्लामी जो एक मेंबर शामिल। सुनी इतिहाद कौंसिल जमायत इस्लामी पारा स्पीकर डेप्टी स्पीकर की वोटिंग में हिस्सों न वरतो। सिंध असेंबली के 108 के अहवान में हलफ खड़ मेंबरन जो अंग 157 थी वो। गुजरल डे पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के 147 मेंबरन पारा कसम खो वो हो। नवन चूंडियल मेंबरन के भलीकार चवा थो। सिंध की आवाम के खिदमत जो सिलसिलो जारी रखासी। सिंध के नामजद वरी वजीर सैयद मुराद अली शाह जो सिंध असेंबली में खिताब संदस चवड़ है तो ईंदड़ हुकूमतों लाए दहशतगर्दी से मुकाबलो वो चैलेंज हों। चूंडन दौरान असाजा 12 कारकुन शहीद थे। सिंध के वे वजीर की चूंड सुभाने थी। वे वजारत लाए पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सैयद मुराद अली शाह जहा नामजदगी कागज जमा कराया वया। एमक्यूएम के नामजद अली खुर्शीदी वा नामजदगी फॉर्म जमा कराए छाया। पीपल्स पार्टी आई एमक्यूएम के उम्मीदवार जहा नामजदगी कागज बहाल। पंजाब के वे वजीर की चूंड भी सुभाने थी। नवाज लीग उम्मीदवार मरियम नवाज ए सुन्नी इतिहाद कौंसिल के राना आफ्ताब अहमद विच में मुकाबलो। पंजाब असेंबली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान छणछाण का बिन्हीं उम्मीदवार नामजदगी कागज मंजूर करे वरता। इमरान खान जो खत लिखण अंदरूनी मामलन में मुदाखलत है। केपीके में एएनपी के खिलाफ एहतजाज कर रही है। वफाक हुकूमत में शामिल आयो वजारतू न पया वो कानून साजी ए बन मामलन में सपोर्ट कंदासी जी जी कदें भी एक का सीटू ना खटू। पीपी अगवान खुर्शीद शाह मीडिया से गाल। मगफिरत की रात शब बारात अज शब बारात अकीदत एहतराम से मल्हाई पी वे। मस्जिदों घर में इबादतों का खास इंतजाम आलम सगोरन पारा शब बारात की फजीलत बया। दुबई में सिंध क्रिकेट लीग की इफ्तताही तकरीब। सिंध क्रिकेट लीग में हिस्सों वठंदड़ टीमों के मालिकन की शिरकत। सिंध जो नाले वारो मजाया फनकार अली गुलमला एस सी एल जो ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर।
सिंध क्रिकेट लीग जो तरान ओवर रिलीज़ किया वो।